हेलो वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि ये बिजली के मीटर के अंदर रिमोट जो होता है वो कैसे काम करता है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ यूट्यूबर्स या कुछ आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको एक रिमोट इस प्रकार से सामने करके दबाया जाता है और मीटर की रीडिंग बंद हो जाती है, और उसके बाद में दोबारा बटन को दबाया जाता है तो रीडिंग स्वतः ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार का रिमोट होता है। हालांकि ये रिमोट मेरे हिसाब से किसी डीवीडी प्लेयर का है, फिर भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ये रिमोट किस प्रकार काम करता है और ये मीटर बंद क्यों होता है। तो जानिए, मेरा वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो मीटर होता है उसके सामने इस बटन को दबाया जाता है, उसमें रीडिंग ऑन कर दी जाती है। क्योंकि जो हमारे घर के अंदर जो लाइन जाती है उसमें क्या होता है कि 1000 या 2000 वोट का हीटर या फिर कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा लोड खींचती है वो लगा दी जाती है, और दूसरा बंदा अंदर खड़ा रहता है। तो इस जो ये प्लग दिख रहा है आपको, इस प्लग के माध्यम से उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इसे क्या होता है कि ये हीटर जलने लगता है और आपका जो मीटर है वो तेज़ गति से चलने लगता है, जिससे क्या होता है कि आपकी रीडिंग तेज़ आने लगती है। और उसी समय दूसरा बंदा क्या करता है कि इशारा करता है, जिससे क्या होता है कि मीटर में जो सामने रिमोट लेकर खड़ा बंदा है वो रिमोट का बटन दबाता है और अंदर वाला क्या करता है कि इस यह स्विच बंद कर देता है। तो ऑटोमेटिक जो रीडिंग होती है वो कम हो जाती है, यानी मीटर चलना बंद हो जाता है। तो इसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको, ये इस पर भरोसा ना कीजिए आप। धन्यवाद।